कुछ नहीं, कोई कोई कुछ बोलेंगे सिर्फ स्कूटनी डालो, स्कूटनी डालने से कोई फायदा नहीं, बस वक्त बर्बाद बर्बाद होता है बस। खाली वो लोग पैसा सिंगारता है, 70 रुपया लगता है हर एक विषय का, साइबर वाला अलग से 30 रुपया लेता है, एक विषय का 100 रुपया लेता है, और उससे कोई कुछ भी होवे नहीं करता है, कितना पैसा सिंगर जाता है। मेरा मानना है कि गलती आपकी हो तो 70 रुपया 100 रुपए क्यों भुगते हैं, गलती आपका है तो मैं 70 रुपए छात्र क्यों दूंगा, एक तो दोस्त लाया के कोचिंग किया, क्लास किया, इधर उधर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद गलती आपकी हो तो मैं छात्र पैसा क्यों देगा, आपसे सवाल है, पर छात्र क्यों पैसा देगा, कहाँ से पैसा देगा, कहाँ से पैसा देगा, आप लोग हमको बताइए कि क्या बच्चा लोग का फैक्ट्री है पैसा कमाने का, स्टूडेंट लाइफ के पास पैसा आता है, स्टूडेंट लाइफ में इतना पैसा। देखिए इस बच्चे का आक्रोश देखकर आप ये समझ सकते होंगे कि एक स्टूडेंट पर एक छात्र पर। पहली चीज तो यह है कि रिजल्ट के प्रकाशन के 2 दिनों के पश्चात ही बोर्ड ने अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि जिस किसी भी छात्र को किसी प्रकार की शिकायत है वे ऑनलाइन रूप से बोर्ड के वेबसाइट पर अप्लाई करें। अर्थात यह है कि छात्रों के किसी भी प्रकार के आवेदन को लेने की मैनुअल व्यवस्था समिति के काउंटर पर नहीं की गई, उसका कारण यह क्या है कि छात्रों की संख्या अधिक होती है, अतः अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करके ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई, तो बोर्ड की ओर से चूंकि यह व्यवस्था की गई थी इसलिए मैं पुनः सभी छात्रों से अपील करना चाहूंगा कि समिति के कार्यालय पर कृपया व्यक्तिगत रूप से न आए, आपकी शिकायत को सुनने के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है उस ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत आप अपनी शिकायत दर्ज करें। स्क्रूटनी के अलावा अन्य सभी प्रकार की शिकायतें निःशुल्क लोग आवेदन कर सकते हैं अपना रोल नंबर रोल को डालने के बाद, तो यह व्यवस्था चूंकि की गई है इसीलिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी छात्र छात्रा को काउंसिल में या कहीं पर आने की जरूरत नहीं है, और निश्चित रूप से इसमें सभी छात्र छात्राओं का भी सहयोग अपेक्षित है, सभी अभिभावकों का भी सहयोग हम लोग अपेक्षित करेंगे, और इस पूरी व्यवस्था में चूंकि कई सारे सुधारात्मक कदम समिति द्वारा गत कई वर्षों में उठाए गए हैं और उस सुधारात्मक कदमों के अंतर्गत निरंतर रिजल्ट की प्रक्रिया में काफ़ी सारे सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं, इन सभी व्यवस्थाओं में आपका सहयोग अपेक्षित है, और इतना पुनः आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो भी शिकायत आप ऑनलाइन रूप से दर्ज करेंगे, आपकी प्रत्येक शिकायत पर आपकी प्रत्येक कंप्लेंट पर समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रिजल्ट जो है हम तो लाइव नहीं आ पाए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार बोर्ड में जो है बहुत सारा को केमिस्ट्री में नंबर कटौती हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं, और किनको कहां कहां पर दिक्कत है सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आज शाम में फिर लाइव आ रहा हूँ और लाइव में पूरा से एकदम चलेगा मेरे भाई, आज शाम में लाइव आ रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को लेकर के मैं आप लोगों के साथ। आप लोग जो है आप लोग हमसे जुड़े रहे और बने रहे, जितना हो सके इतना इस लिंक को शेयर करें, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो विकलांग है, ऐसे जिसको हम लोग दिव्यांग कहते हैं, उन सभी लोगों को जो है बहुत हताश हुए हैं, जहाँ तक कि जो पढ़ने वाले थे उनको नंबर कम मिला है, जो नहीं पढ़ने वाले थे उन सभी को जो फर्स्ट डिवीज़न कितना कितना नंबर मिल गया, जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि 73 नंबर के बनाए उसको 83 नंबर आया है, और केमिस्ट्री में कह रहा है कि हम सर जी 85 नंबर के बनाए जिसमें से 80 आना चाहिए उसको 65 नंबर है, आखिरकार कैसे कॉपी चेक हुआ ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं मेरे भाई, लेकिन इस पर कुछ होना चाहिए कार्रवाई। और आप लोग जो है इस लिंक को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करें, और आप लोग जो है जो रिजल्ट चेक करने के लिए कभी भी हो सकता है तो बिहार बोर्ड जारी कर सकता है, इसके लिए मैं एक लिंक बताता हूँ, आप लोग वहाँ पर जाकर के चेक करते रहेंगे। तो गूगल पर आना है, गूगल पर एकदम सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, आप लोग जैसे ही आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार इस पर क्लिक कर देना है, या बोल भी दीजिएगा तो चला आएगा, तो उसके बाद आप लोग को रिजल्ट में चला आना है। कहाँ चला आना है? रिजल्ट में आना है, आप लोग को एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि न्यू अपडेट भी कभी भी जारी कर सकता है बिहार बोर्ड, क्योंकि बिहार बोर्ड भी परेशान हो चुका है, तो यहाँ पर 17 मार्च वाला जो घोषित हो गया है दोबारा रिजल्ट, उसी में क्लिक कर देना है दोबारा रिजल्ट घोषित वाला में, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को आ जाना है नीचे की ओर दोबारा रिजल्ट घोषित वाला में, और लिंक 1 और लिंक 2 पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर चेक करते रहना है, क्योंकि अभी ओपन हो रहा है और आप लोग आकर के एक बार चेक कर ले, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, मैं शाम में आ रहा हूँ लाइव, आप लोगों को पूरा एकदम दुखम सुखम मैं सुनूंगा, आप लोग जरूर हमसे जुड़िएगा, और आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और इसे पूरा से पूरा शेयर कर दे। चलिए इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।